का स्टेज पे देखेंगे। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे सभी सभी लोग। देखिए भक्ति ऐसी चीज है, अगर आप मन से करेंगे तो प्रभु आपको सब देंगे। और इसके साथ ही घोष लगाएंगे, गणपति बंता, देखिए नींद आग लगानी है। और मैं जो और यहाँ पर आए हैं, जो हम लोग माननीय महाराज हर्षवर्धन जी ने बुलाया है हमें, और जो मैंने इनको जाना है, मैं दो पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो मैं चाहता हूँ तालियों के साथ, तालियों के साथ, आदमियों को जिद है वहाँ बिजलियाँ गिराने की, लेकिन हम जब महफिल में बैठते हैं तो आज जो वाह करेंगे वो प्रभु के लिए, जो भी बोलेंगे राघव जी महाराज के लिए, मैं पहली पंक्ति बोलूंगा सभी वाह बोलेंगे, जय वर्धन जी, जय वर्धन जी, जय वर्धन जी। आदियों को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, भाई बाल न्याय आप लोगों की, भाई प्रभु के लिए बोलना है बात, कि जो भजन संध्या है उसमें हम जो भी करेंगे वो प्रभु के लिए, कि आदियों को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहाँ आसियां बसाने की। तो ये जो पंक्तियां हैं, बड़े जी बैठे हैं लक्ष्मण जी, तो ये जो पंक्तियां हैं, इन्हीं पंक्तियों के द्वारा हम अपना खूबसूरत सा भजन गा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम रामायण की कुछ चौपाइयां आपके साथ गाएंगे, और वो जो सुंदर चौपाइयां आप सभी हमारे साथ गुनगुनाएंगे। एक बार फिर जय घोष करेंगे, जय श्री राम। हमारी परंपरा और संस्कृति में है कि गूंजता रहे सदियों तक एक ऐसा अंजाम निकले, और जीवन के एक एक पत्र से अंजाम निकले। इन पंक्तियों के साथ सभी thank you.
Ram Siya
सिंह जी का किस पावन नगरी में लेकर आए और अभी हम राघव महाराज जी के दर्शन करके आए हैं और इतने पावन जगह पर इतने पावन लोग जो बहुत आराम से और धैर्य से बैठ के सुन रहे हैं, तो एक सुंदर सा भजन मुझे आ गया जो पूरे देश में क्या विदेश तक जो है उसकी धुन है। और हम मध्य प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश जो है जो चलता है जो उसकी धुरी है वो है हमारे महाकाल जी। तो ये ऐसा भजन है जिसने हमें घर घर में पहचान दी। तो एक सुंदर सी रचना आप सभी के लिए। महाकाल जी हैं, हम कुछ भी ना लाएं, हम सच्चे मन से आ जाएं अगर उनके पास तो कैसे वो तुरंत खुश हो जाते हैं इस भजन के साथ। आप
हम कुछ नहीं, हमारे पास कुछ भी भेंट देने को नहीं है। वो देखिए इस पंक्तियों को, ना दौलत हमें चाहिए ना स्वर्ग हमें जाना, बस महाकाल चरणों में जीवन को बिताना है, बस चरणों में जीवन को बिताना है। और अभी हम
जगन्नाथ जी के साथ किले में गए तो हमने जगन्नाथ जी के दर्शन किए, तो कितनी सुंदर वो रचना है। जय जगन्नाथ जी लड़ता है रंग पागली जाकर तो राग उमड़ता है, रंग पावरी जाकर तो राग उमड़ता है। Oh.
सोया कबीरा सब एक कहानी है। और देखिए इस भजन का थोड़ा माइक ड्राई हो रहा है, थोड़ा माइक सबका माइक का बैलेंस एक कर दो आप। देखिए जो आखिरी बंद है वो पूरी इतिहास गाथा है रागो कण की, और जो सेवा राघव महाराज की हमारे सभी महाराजाओं ने की उनकी एक पंक्ति। हिंदू पति राजा का भगवान ध्वज लहराए, हम तो पूरी रात गाते रहेंगे लेकिन आप साथ कैसे दोगे तालियों के साथ। अब मैं इतनी बात बड़ी कर रहा हूं, और महाराजा सामने बैठे हैं और विश्व के महाराजा भी सामने बैठे हैं, तो तालियों के साथ 1 2 3 हिंदू पते राजा का भगवान ध्वज लहराए, चल दुगुन कर रहे हैं इस दो पंक्तियों की, और ये गाना हम यूट्यूब पे भी डालेंगे, तो एक साथ तालियों के साथ राघो गण नगरी में विपाज हराना है, जहां राघो के चरणों में सब काहि के गाए, जहां राघो के चरणों में है, नगरी में पानी भराना है, जहाँ राघो जी चरणों में सब काहि ठिकाना है, जहाँ राघो जी चरणों में सब काहि ठिकाना है। देखिए अगर तालियां नहीं आएंगी तो वहां तक आवाज नहीं जाएगी, तो मैं दुगुन के अंदर दोबारा बोल रहा हूं जोरदार तालियों के साथ राघो गण नगरी में विपाज हराना है, जहां राघो के चरणों में सब काहि ठिकाना है, जहां राघो के चरणों में सब काहि ठिकाना है। एक बार जय घोष करेंगे जोरदार, राघव जी महाराज की जय हो। नहीं नहीं नहीं, खा के नहीं आए क्या भाई? जब खा के अगर आए हो और इतनी सारी जनसंख्या में अकेले मेरी आवाज इतनी है, बोल राघव महाराज की। इस जय घोष के साथ मुझे गाना याद आ गया, भजन याद आ गया कि हम जहां भी जाते हैं उस भजन की बड़ी फरमाइश रहती है, और यूथ के अंदर वो बहुत पॉपुलर है हमारा भजन। तो आइए आज सबके लिए, लेकिन मैं सबसे तालियां जोरदार, नहीं तो मन से नीचे भी उतर जाऊंगा, तो आप सब एक बार जय घोष लगाएंगे, जय श्री राम। हमारे सबसे बड़े महाराज बैठे हैं, लक्ष्मण जी महाराज जी बैठे हैं, नमन करता हूं महाराज जी, और जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं उनको नमन करता हूं आपको। और इस भजन के साथ अगर तालियां नहीं होगी मैं उठवा दूंगा, बता रहा हूं। श्री राम, जानकी कौन बोलेगा भाई? मैं श्री राम बोलूंगा, आप जानकी बोलेंगे। श्री राम, अरे 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 ऐसे आप जानकी बोलेंगे, वहां बैठे प्रभु देख रहे हैं। श्री राम
पीछे वाले श्री राम जानकी बैठे हैं। वाह श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे। नहीं 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 सुनिए ये हनुमान जी का गाना है। बालाजी महाराज का एक बार जयघोष करेंगे जोरदार। बालाजी महाराज की तो ताली जोरदार होनी चाहिए। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में देख लो मेरे दिल के नगीने में देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम याद आ गई शेर की। हमारे महाराज जी बैठे हैं और जब गुरु महाराज बैठे हो तो मैं गुरुओं का बड़ा आदर करता हूं कि जो बात दवा से ना बन पाए वो बात दुआ से बनती है। वाह भूल गए आप वाह कहना भूल गए ऐसे नहीं पहले मैं लाइन बोलूंगा फिर बोलिएगा। जो बात दवा से ना बन पाए वो बात दुआ से बनती है। ये होते हैं भक्त। और जब काबिल गुरु मिलता है जब काबिल गुरु मिलता है तो बात प्रभु से होती है। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूं राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूं सिया राम का सलाही चिंतन करूं सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं सच्चा आनंद है ऐसे जीने में सच्चा आनंद है ऐसे जीने में श्री राम हाँ। अब कुछ लगता है कि हनुमान जी की जो है बयार इस तरफ चल पड़ी है। 1 2 3 बोलूंगा इस लाइन को आप ही गाएंगे 1 2 3 अच्छा एक चीज कर लेते हैं हमारी महिला शक्ति इधर बैठी है तो एक बार महिला शक्ति के लिए जोरदार तालियां। और देखिए उस तरफ भी मेरे राइट पे उधर भी महिला शक्ति बैठी है तो यहाँ पर जितनी महिला शक्ति बैठी है ये गाएंगी और फिर हमारे ये युवा नौजवान तो देखते हैं कि प्रभु की जो आप सबकी आवाज प्रभु तक कितनी पहुंचती है। चलिए 1 2 3 नौजवान भाई मतलब एक बात तो तय हो गई कि जब प्रतियोगिता होती है हिस्सा लेते हो मतलब इसके बगैर हिस्सा नहीं ले सकते। तो पूरा पंडाल जो है और इस पावन धरती पे राममय हो जाए। 1 2 3 श्री राम जानकी बैठे हैं
और ये भजन जो है ऐसा भजन है। फिर मुझे दो पंक्तियां याद आ गई। ये पंक्तियां पीछे वालों के लिए हैं, अच्छी लगे तो वाह, जोरदार होना चाहिए प्रभु के लिए। कि कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस। नहीं, इतनी हल्की मत बोलो भाई। कि कागा तन सब खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस। अरे दो नैना मत खाइयो, दो नैना मत खाइयो, मोहे प्रभु मिलन की आस। मुझको गिर देना वैभव ना यश चाहिए, मुझको गिर देना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको यश चाहिए, राम के नाम का मुझको यश चाहिए। सुखनी रे से अमृत को पीने, सुखनी रे से अमृत को पीने में छोड़ा। मुझे तो भक्ति के बारे में इतना ही पता है, मस्त होके गाओ और लीन होके गाओ और तालियों के साथ गाओ। पाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, पाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है सबको बदला दिया, भक्ति में मस्ती है सबको बदला दिया, कोई मस्ती ना सागर को भी फाड़ के दिखला दिया। वही सीना आप भी फाड़ लीजिए प्रभु के लिए, दोनों हाथ सबके ऊपर, नहीं उधर से नहीं, सभी सभी, और गाते हुए दुगुन के साथ 1 2 3 भजन। भाई तालियां तो मारिए प्रभु के लिए। देखिए सिर्फ गाना नहीं, मस्ती होती है पूरी। दो जय घोष लगवाऊंगा, दोनों जय घोष आसमान तक जाना चाहिए। जय श्री राम, भारत माता की। वाह, अब लगा कि राघोगढ़ की जनता है। और देखिए मुस्कुराहट भी जो है जयवर्धन जी के चेहरे पे आ गई, लक्ष्मण जी के चेहरे पे आ गई, पूरे राज परिवार पे आ गई। पूरे राज परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियां।
देखिए भजन के बीच में एक बहुत सुंदर देशभक्ति गीत भी लाए हैं तो आप सभी के लिए, लेकिन उससे पहले मैं शेर पढ़ रहा हूं, याद रखना वाह का, कि वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं। देखिए हमारे जो जवान सीमाओं पे बैठे हैं वहां तक आवाज जानी चाहिए, मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं। अरे मरेंगे वतन के लिए, मरेंगे वतन के लिए, शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। तो एक खूबसूरत सा गाना, और ये बहुत जहां भी हम जाते हैं, और आप सब इसमें साथ दीजिएगा। और मैं जो है, मैंने कहा कि गुरुओं की बात अलग है और गुरु को हम सदा नमन करते हैं। परम पूज्य गुड्डा जी महाराज जी को हम नमन करते हैं और परम पूज्य बालक दास जी महाराज जी को हम नमन करते हैं। और एक बार जोरदार तालियां महाराज जी के लिए। गुरुओं के बिना हम कुछ नहीं है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मय श्री गुरुवे नमः। तो नमन करते हैं और इस देशभक्ति गीत के साथ, आज 2 अक्टूबर है, इस गीत के साथ हम सभी शहीदों को याद करते हैं। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिसमें तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। और तालियों के साथ शहीदों को नमन करते हुए, ओह oh
है जादू में और जादू हमेशा रहता है। पढ़ते मैं खिल जाता एक बिट्टी है दिल की आलू, नदियों में बह जावा के खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत माता की, भाई आवाज ठंडी रह गई, भारत माता की। और इस सुंदर भजनों के साथ एक प्रसंग है बहुत सुंदर, उसके बाद फिर हम अपने कुछ फेवरेट भजन गाएंगे, लेकिन ये भजन मुझे जो है बहुत दिल के करीब है। और देखिए हमारे बीच में छोटे महाराज आ गए हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ, भाई तालियां जोरदार होनी चाहिए, और एक बार जय घोष करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। राघव जी महाराज की। देखिए प्रभु श्री राम वन के अंदर जा रहे हैं, तपोवन के अंदर, और मां शबरी जो है उनकी बात निहार रही हैं कि प्रभु श्री राम आएंगे और मेरे हाथों से मीठे मीठे बेर खाएंगे। तो उनकी पूरा युग उनका बीत जाता है रामा रामा रटते रटते। तो ये हमारा बड़ा प्रसिद्ध भजन है आप सभी के लिए। ये थोड़ा ड्राई हो रहा है, थोड़ा सा देखिए माइक मेरा ड्राई हो रहा थोड़ा सा। बीनियर में थोड़ा गिटार डाल दीजिए यार, बिल्कुल नहीं आवाज। बीनियर में गिटार डाल दीजिए। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। तालियों के साथ पूरे देश भर में सबसे ज्यादा प्रचलित बच्चों में रामा रटते रटते गीतर मैया, रामा रामा रटते रटते गीतर मैया। रघुकुलंदन कब आओगे, रघुकुलंदन कब आओगे, जिनन की डगरिया। रामा रामा रटते रटते गीतर मैया, रामा रामा रखते रखते दिल की रेमैया। सभी तालियों के साथ मीठा मीठा देखिए माँ सबरी क्या कह रही है। मैं सबरी भिलने के जाए भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी भिलने के जाए भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के मन में जीवन पारो रे, राम तुम्हारे दर्शन के मन में जीवन पानी रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झपड़िया। रामा रामा रटते रटते गीति रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते गीति रे उमरिया। तालियां चलती रहे।
सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी, रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी, अपने प्रभु के सम्मुख रख के प्रेम से भोग लगाओगे, अपने प्रभु के सम्मुख रख के प्रेम से भोग लगाओगे, मीठे मीठे मेरा जीना, मीठे मीठे मेरा जीना, रानी छवारी रामा रामा रखते रखते, मीठे उमारी 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 एक बार सर एवं सभी के लिए जोरदार तालियां। बोलो राघव जी महाराज की। अब हमारे बीच परम आदरणीय छोटे साहब एक गीत सुनाएंगे। परम आदरणीय छोटे साहब, एक बार छोटे साहब के लिए जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां, तालियों में बिल्कुल कंजूसी नहीं। मैं परम आदरणीय छोटे साहब से निवेदन कहूंगा कि स्टेज पर पधारे परम आदरणीय छोटे साहब। सभी अपने स्थान पर विराजमान हो, कृपया सभी भक्तों से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। देखिए हमारे बड़े महाराज जी खड़े हैं यहाँ पर जी, छोटे छोटे महाराज जी, और एक भाव सबके मन में होता है कुछ कहने का, और मैंने कहीं पढ़ा था एक लाइन कि जिसके मन में संगीत ना हो तो वह पशु समान होता है। तो संगीत वो धारा है जो प्रभु के करीब ले जाती है, और आज महाराज जी आए हैं उस धारा को बहाने के लिए आगे, दिल के उद्गार वो एक दो लाइनों के साथ, चार लाइनों के साथ, दस लाइनों के साथ करेंगे। तो मैं एक बार जयघोष करना चाहता हूं तालियों के साथ, पहले जोरदार। और गुरु भाव के लिए गुरु एक वंदना कर रहे हैं महाराज जी, तो एक बार मैं जय घोष करूंगा और जय बोलना। सतगुरु महाराज की। राघव जी महाराज की। मुझे ये जयवर्धन ने फंसा दिया आज पर आदेश है आप सबका, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत मजा आ रहा आपके भजन में, बस पांच छह लाइनें मैं गाऊंगा, बाकी हम हमारे महान कलाकार आए हैं पधारे हैं उनको सुनेंगे। ये भजन मेरे गुरु प्रभु श्री कृष्ण को मैं समर्पित करता हूं, वो मेरे गुरु। मधुबन की लताओं में गुरुदेव तुम्हें देखूं, मधुबन की लताओं में गुरुदेव तुम्हें देखूं, इन काली घटाओं में मेरे श्याम तुम्हें देखूं,
मधुबन की लताओं में देव तुम्हें देखूं, गुरुदेव खड़े तिरछे उनके सर पे मुकुट बिरजे, गुरुदेव खड़े तिरछे उनके सर पे मुकुट बिरजे, अधरों पे लिए मुरली, अधरों पे लिए मुरली, घनश्याम तुम्हें मधुबन की लताओं में मेरे शाम तुम्हें देखूं। धन्यवाद। जय राघो जी महाराज। और एक बार सबके लिए जोरदार तालियां। कई बार ऐसा होता है महाराज जी गाना गा के गुरु के लिए, और मुझे कृष्ण जी की बात याद आ गई कि बहुत सुंदर प्रसंग है कि सबसे अलौकिक प्रेम जो होता है, थोड़ा सा आवाज बढ़ा देना मेरी, थोड़ा सा आवाज, सबसे अलौकिक प्रेम होता है राधा और कृष्ण का। अब देखिए जमुना के तट पर राधा जी जो कृष्ण जी को कह रही है वो उसका उल्टा ही कर रहे हैं, और ये हमेशा यही होता है। गुरुवर बैठे हैं सामने कि जो राधा जी कहती है कृष्ण जी मानते ही नहीं, और कृष्ण जी कभी मानते ही नहीं थे किसी की बात। तो एक बड़ा सुंदर मेरी माता जी ने वो गाना मुझे सिखाया था, सर ने गाया तो मुझे पंक्तियां याद आ गई। तो देखिए राधा जी कह रही है कृष्ण जी को कि जमुना के किनारे या बीच में मत जाओ। तो देखिए प्रसंग क्या है। ओ नदी नारे, देखिए हमारे लोक गीतों में भी है, और महाराज जी लोग यहाँ के लोग उसके बारे में बता रहे थे, तो मालवा शैली का भी मैं गीत गाऊंगा। हो नदी नारे, हो नदी नारे ना जाओ श्याम पैया बरू, 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 नदी नारे ना जाओ श्याम पैया बरू, नदी नारे ना, ओ नदी नारे ना, ओ नदी नारे ना, ओ नदी नारे ना जाओ श्याम पैया बरू, ओ नदी नारे ना जाओ श्याम पैया बरू। तालियों के साथ देखिए हमारे बाबा जी कैसे नाच रहे मस्तों के। देखिए अब राधा जी ने कृष्ण जी को बोला कि नदी नारे ना जाओ, लेकिन वो मानने वाले नहीं थे, वो चले गए। तो क्या कहती है, ओ नदी नारे जो जई हो तो जईबे करो, 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 हो बीच धारा, हो बीच धारा, हो बीच धारा ना जाओ श्याम पैया, जाओ श्याम पैया पर, ओ नदी नारे ना जाओ श्याम पैया पर, ओ नदी नारे ना जाओ श्याम पैया पर। अब देखिए वो नहीं मानने वाले थे, बीच धारा में चले गए, लेकिन इस भजन का जो असली मकसद है वो लयकारी है। मैं लयकारी बजाऊंगा, आपको बजाना तभी मैं आगे जाऊंगा। देखिए कैसे, 1 2 3 मान गए भाई, मान गए, ये आपके सामने संगीत है। और देखिए ओ बीच धारा जो जई हो तो जईबे करो, बीच धारा जो जई हो तो
उस पार ना जाओ श्याम पैया पर, उस पार ना जाओ श्याम पैया पर, उस पार ना जाओ श्याम पैया पर, वो नदी नारे ना जाओ श्याम पैया पर, वो नदी नारे ना जाओ श्याम पैया पर। अब देखिए राधा जी ने बोला कि जमुना में मत जाओ चले गए, इस धारा में मत जाओ चले गए, उस पार न जाओ फिर भी चले गए। तो ये आखिरी बंद है, तालियों के साथ साथ दे। राधा जी ने क्या बोला, उस पार जो गई हो तो करो, उस पार जो गई हो तो करो, उस पार जो गई हो तो करो। संग सौ कन्या, देखिए हमारी जो माता है मैंने सब हंसने लगी। देखिए प्रसंग यही होता है कि सब कुछ सह लेते हैं लेकिन ये नहीं सह सकते। वो संग सौ कन्या लाओ श्याम पैया, एक बार सभी जागोश लगाएंगे। ओ कृष्ण महाराज की, राधा रानी सरकार की। और एक बड़ा खूबसूरत बाहुबली का गाना है और इसमें स्तुति भी है शिव जी की, तो आप सभी भक्तों के लिए। I'm gonna make you mine.
और इसको गाते गाते एक श्री राम जी का भजन मुझे याद आ गया। ये वो भजन था जिसने हमें पहला फेम दिया, और जब भी मैं निराश होता हूँ इस भजन को गाता हूँ कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। और ये पूरे सभी जितने भक्त बैठे हैं सभी तालियों के साथ और इस गायन के साथ। हमारे साथ रघुनाथ तो
यहाँ बैठे हैं सभी एक बार जय घोष लगाएंगे हमारे साथ, जय श्री राम। और एक सुंदर सा भजन मेरी झोपड़ी के भाग, ये भी हमने गाए थे जब गाना, और इस गाने को इतना प्यार मिल रहा है आप सभी के लिए। ये बहुत सुंदर है, हमारा देश भर में वायरल भजन है और आप सभी मीठी मीठी तालियों के साथ। झोपड़ी भी होगी, रूखा सूखा भी होगा, तो प्रभु हमारे चरणों, प्रभु जो हमारे द्वार पे ही आएंगे। Thank you.
ऐसे ही मांगे सबकी खैर जाने की जरूरत नहीं है कि अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा तो क्या कहते हैं अरे भला हुआ मेरी मटकी फूटी भला हुआ मेरी मटकी फूटी भला हुआ मेरी मटकी फूटी भला बदन से छूटी जितने मैं जोश से गा रहा हूँ तुम लोग भी उतने जोश से ही गाओ और बजाओ और तुम आप सभी लोग तालियों के साथ देखिए वो कह रहे हैं कि मैं युगों युगों से प्रार्थना और तपस्या करके अब बरी हो गई हूँ बरी हो गया हूँ क्या कि भला हुआ मोरी मटकी फूटी भला हुआ मोरी मटकी फूटी भला हुआ मोरी मटकी फूटी पनिया बरन से छूटी मोरे सर से तली भला मोरे सर से तली भला मैं बनिया बरन से छूटी मोरे सर से तली भला कबीरदास जी कहते हैं चाक चलती देख कर या कबीरा रो 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 देखिए चाकी चलती देखकर दिया कबीरा रोए दो पाटन के बीच में दो पाटन के बीच में साबुत बचान को सर से डली भला मोर सर से डली भला मैं बढ़िया मरण से छूटी मोर सर से डली भला अच्छा ये बताइए जो चक्की चलती है उसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहता है बताइए जो चक्की वो चक्की
सखी कैसे चलेगी, सबसे बड़ा रोल किसका है बताइए, कौन बताएगा जी? अच्छा एक भाई साहब ने बोला दो पार्टों का, और कोई? करण नहीं, मैं पुरानी चक्की की बात कर रहा हूं, बताइए। बहुत बढ़िया, आप खड़े हो जाइए, अरे खड़े हो जाइए। और बहुत, अरे वाह, तो एक बार दोनों जने के लिए जोरदार तालियां। चक्की जब ही चलती है, जब उसकी कीली को हम ऐसे करते हैं, कीली जो होती है, तो हम कीली को भूल जाते हैं, तो कीली ही जो है उसको चलाने वाला है। तो कबीरदास जी कहते हैं, कीली कीली चाकी चाकी सब कहे और कीली कहे न को, चाकी चाकी सब कहे और कीली कहे न को, चाकी चाकी सब कहे और कीली कहे न को। कीली से जो लाग रहे, 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 अरे बाल न पाका हो मोरे सर से पहली बला, मोरे सर से पहली बला, मैं बनिया बदन से चूनी मोरे सर से पहली बला, से कली बला। भाई तालियां साथ, मोरे सर से कली बला, मोरे सर से कली बला, मैं बनिया बदन से छूटी मोरे सर से कली बला, मैं बनिया बदन से छूटी मोरे सर से कली बला। कीबोर्ड पर है ये पांडे जी हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और शुभ है हमारे ये वोकल पे गिटार पर, और अश्वनी वोकल गिटार, तालियां मस्ती रहे। और तबले पर जो है वो प्रणव है, विशाल जो है वोकल पर है, आज इनकी तबीयत भी बहुत खराब है, कोशिश कर रहे हैं। पीछे ढोलक पर निखिल, सबसे छोटा बच्चा आप देख रहे हैं ऑक्टोपैड पे, 17 साल का है। और देखिए अनमोल, एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। हमारे गौरव जी हारमोनियम पर हैं, और ये जो हिमांशु गिटार पर, सभी छोटे बच्चे हैं 19-20 साल के, देखिए आप सबके सामने एक समाज में काम कर रहे हैं भक्ति का, तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और मैं शुभ से बोलूंगा, इनका एक फेवरेट गाना है बांके बिहारी, कजरारे तेरे मोटे मोटे नए, तो एक बार जोरदार तालियां। तो इस गाने के अंदर भी मैं आपसे बात करूंगा कि आपको बोलना क्या है, तो मैं शुभ से कहूंगा इस गाने को शुरू करें। जय घोष लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की, वृंदावन सरकार की। अरे मोटे मोटे नैनन के तू, और मीठे मीठे बैनन के तू, और मोटे मोटे नैनन के तू, और मीठे मीठे बैनन के तू, सांवरी सलोनी सूरत के तू, और प्यारी
मोहनी मूरत के तू ओ कजरो रे मोटे मोटे तेरे रे तालिया मैं सभी माता बहनों से कहूंगा कि खड़े हो जाएं और मस्ती में जरा एक बार सभी 1 2 3 नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए बाकी तालियों के साथ बाके बिहारी लाल की हो तेरे मुकुट की लटकन तेरे अधर की मुस्कन गिर है की मटकन बलिहारी रह गजरा रह मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए ओए होए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए ओए होए नजर ना
ना लग जाए, नजर 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 ना लग जाए। हनुमान जी की जब बात आती है तो सारे दुखड़े दूर हो जाते हैं। एक सुंदर सा भजन जो हमारा अंजनी के लाला बहुत वायरल है आप सभी के लिए। महावीर हनुमान को मैं मनाऊं बारंबार, अरे संकट में रक्षा करे शिव के ये अवतार। और तालियों के साथ सुन अंजन के लाला, मुझ तेरा एक सहारा, अब अपनी शरण में ले लो, मैं बालक हूँ दुखियारा, अब अपनी शरण में ले लो, मैं बालक हूँ दुखियारा। ओ सुन अंजन के लाला, मुझ तेरा एक सहारा, अब अपनी शरण में ले लो, मैं बालक हूँ दुखियारा, मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं बालक हूँ दुखियारा। सुंदर पंक्तियां हैं। माथे पर तिलक विशाला, कानों में सुंदर वाला, हर गले राम की माला, ओ लाल लंगोटे वाला। माथे पर तिलक विशाला, कानों में सुंदर वाला, हर गले राम की माला, ओ लाल लंगोटे वाला। अपनी शरण में ले लो, मैं बालक हूँ दुखियारा, अपनी शरण में ले लो, मैं बालक हूँ दुखियारा। तालियों के साथ देखिए, राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहां वहां का नाम लेते हैं तो अपने आप सिद्धता आ जाती है प्रभु की। क्या प्रभु साला सर के माही, हर मंदिर है अतिभारी, दूर दूर से आए हर दर्शन को मेरे नारी। प्रभु साला सर के माही, हर मंदिर है अतिभारी, दूर दूर से आवे हर दर्शन को नर नारी। जो लाए गृद सिंदूरा, जो लाए गृद सिंदूरा, बाजारे सारा, मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं बालक हूँ दुखियारा, मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं बालक दुखियारा। हनुमान जी का भक्त का भजन गा रहा हूं लेकिन तालियां नहीं आ रही हैं।
और देखिए मैं दुगुन के साथ दो लाइनें गा रहा हूँ तालियों के साथ। सुन अंजन के लाला मुझ तेरा एक सहारा, अब अपनी शरण में ले लो मैं बालक हूँ दुखियारा, अब अपनी शरण में ले लो मैं बालक हूँ दुखियारा, अपनी शरण में ले लो मैं बालक हूँ दुखियारा, मुझे अपनी शरण में ले लो मैं बालक हूँ दुखियारा। सीता का हरण हुआ तो श्री राम रूप धारी, तुम जा पहुँचे गढ़ लंका माता के खबर लगाई, सीता का हरण हुआ तो श्री राम रूप धारी, तुम जा पहुँचे गढ़ लंका माता के खबर लगाई, सब वानर मिलकर बोले सब वानर मिलकर बोले तेरे राम का जयकारा। अभी आखिरी दो पंक्तियां और समय अवधि भी हो चुकी है, तो जोरदार तालियों के साथ हाथ ऊपर खड़े करके, हाथ ऊपर खड़े करके और क्या बोलेंगे, अब अपनी शरण में ले लो मैं बालक हूँ दुखियारा, अब अपनी शरण में ले लो मैं बालक हूँ दुखियारा, अपनी शरण में ले लो मैं बालक हूँ दुखियारा, अपनी शरण में ले लो मैं बालक हूँ दुखियारा, मैं बालक हूँ दुखियारा, मैं बालक हूँ दुखियारा। बालाजी महाराज की। हेलो भाई, हनुमान जी का जय घोष है, जरा जोरदार होना चाहिए। बालाजी महाराज की। राघव जी महाराज की। दिल्ली से पधारे समस्त हमारे कलाकार बंधु, धनंजय साही जी, अवनीश साही जी, मिस्टर शुभम पनवर जी, मिस्टर गौरव शर्मा जी जो हारमोनियम पे अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, मिस्टर सुमांशु आर्या जी, विशाल कुमार जी, प्रणव चौहान जी जो तबले पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, निखिल कुमार जी, अनमोल जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। परम आदरणीय महाराज कुंवर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि सभी कलाकारों का अभी संध्या समाप्त नहीं हुई है। रणजीत जी, मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरे भाषण के बाद दो और भजन, क्यों सबकी मांग है नहीं है? मेरी विशेष प्रार्थना है कि एक तो नगरी अयोध्या जैसी वाला भजन सुनने को हम सबको मिले और नगरी हो रावण जैसी, समापन करेंगे उसी के साथ में। लेकिन मैं सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय छोटे साहब को, वही मंच पे पधारे, उनके लिए जोर से तालियां। और हमारे जो यहाँ संत गुरु पधारे हैं, मैं प्रार्थना करूंगा परम पूज्य गुरुदेव गोड्डा महाराज जी से कि वो भी मंच पे पधारे। साथ में हमारे परम पूज्य गुरुदेव बालकदास जी महाराज, वो भी कृपया मंच पे पधारे। और हमारे आचार्य जी बेनी प्रसाद जी से भी प्रार्थना करता हूं कि आप भी मंच पे पधारे। कुछ महीने पहले मैंने पहली बार साधो बैंड को सोशल मीडिया पर सुना था और जो उनके इनका भजन है नगरी हो उज्जैन जैसी, मुझे लगा कि इनका जो तरीका था भजन का बहुत अलग था, आधुनिक था। और मुझे मन में उसी समय ये बात आई थी कि अगर कभी मौका मिलेगा तो हम आपको यहाँ रावगढ़ आमंत्रित करेंगे। और वाकई में जो आपने आज ये बहुत ही एक
शानदार भजन संध्या यहाँ पे आपने जो आयोजित की है, आपने जो यहाँ पे हमको समय दिया है, मैं रावण के एक एक निवासी की तरफ से आप सबको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि आज ही हमारे जो राघोजी महाराज के मंदिर के पुजारी हैं, परम पूज्य हमारे गया प्रसाद पराशर जी, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी कृपया मंच पे पधारें। उनको हम सब भिड़ जी के नाम से पुकारते हैं और उन्होंने आज स्वयं रामचरितमानस का पूरा सार रूप में उन्होंने एक संक्षिप्त पुस्तक लिखी है। तो मैं प्रार्थना करूंगा गुड्डा महाराज जी से, परम पूज्य बालकदास महाराज जी और छोटे साहब से और आचार्य जी से कि हम सब मिलके भिड़ जी का, गया प्रसाद जी का सम्मान करें। और ये उनने जो पुस्तक लिखी है महाराज जी, ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है जो हमारे प्राचीन परिवार के साथी हैं। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब मंच पे आ जाएं और भिड़ जी का यहां पे सम्मान करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं जिन्होंने हम सबके लिए नगरी हो रावगढ़ जैसी आदरणीय वशिष्ठ जी से कि आप भी मंच पे पधारे, आपका इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो वशिष्ठ जी के लिए भी जोर से तालियां। हूं आदरणीय गुड्डा महाराज जी से, बालकदास महाराज जी से और काका से भी कि जो हमारे सभी साधो बैंड के साथी हैं उनका भी हम यहाँ सम्मान करें। सबसे पहले जो इनके गुरु जी हैं धनंजय शाही जी, उनका सम्मान छोटे साहब कर रहे हैं, उनके लिए जोर से तालियां। दिल्ली से पधारे हैं हमारे अश्विनी शाह जी, हमारे शुभम पवार जी, गौरव शर्मा जी, हिमांशु जी, आदरणीय विशाल जी, प्रणव चौहान जी, अनमोल जी, आदरणीय सौरभ गुप्ता जी जो इनके मैनेजर हैं और कपिल पांडे जी, रावड़ के एक एक पूरे साधो बैठ आप इतनी दूर से दिल्ली से यहाँ पधारे और राघव जी के नगरी में आप सबका स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा छोटे साहब से भी कि आप भी हम सबको दो शब्द कहें। जी की और जय जगदीश स्वामी की और जय राघोगढ़ की जनता की। ये हो गया अपना भाषण और साधो बैंड मजा ला दिया आपने, यहीं बस जाओ यार आप। आपको हम इतना परेशान करेंगे, बुलाएंगे बार बार और यहाँ नहीं सब जगह बुलाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया और भेड़े जी को बहुत बहुत बधाई, आपने ये ग्रंथ लिखा है, सभी गुरुओं को प्रणाम। और आखिरी में बस दो और भजन रंजय जी, नगरी हो अयोध्या जैसी और फिर आखिरी में नगरी हो रावण जैसी। सब तैयार हैं? बोलो राघो जी महाराज की, बोलो बजरंग बली की।
बोलो आज के आनंद की। सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इस संध्या का वंदन हम सुचारू रूप से करने जा रहे हैं, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय भक्तगणों से निवेदन है कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलो राघव जी महाराज की, राघवेंद्र सरकार की। सभी भक्तों से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें, जैसे भजन संध्या सुचारू रूप से संचालित हो सके। सभी भजन में बैठ जाएंगे थोड़ा सा। और देखिए हमारे एक राजा जी ने दो भजनों की फरमाइश करी है, लेकिन एक फरमाइश हमारे एक फैन ने भी करी है, और ये हम भूल गए थे गाना, उन्होंने याद दिलाया कि राम को देखकर श्री जनक नंदिनी बाग में खड़ी की खड़ी रह गए। और ये इस समय हमारा पूरे देश में जो है ट्रेंड है, तो इस भजन के बाद कि नगरी अयोध्या और नगरी राघवगढ़, तो सबको नमन करते हुए मैं भजन शुरू करता हूँ। तालियों के साथ जय हो। राम को देखकर श्री जनक नंदिनी, राम को देखकर श्री जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर ये कितना सुंदर सुंदर लाइनें हैं कि प्रभु श्री राम ने धनुष तोड़ दिया है और बाग में मिलन हो रहा है, और सखियां झरोखों से झांक रही हैं और उपहास उड़ा रही हैं प्रभु का। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। देखते ही नजर मिल गई तो लगी, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। तालियों के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ।
अब देखिए एक सखी जो है दूसरे सखी से क्या बोल रही है। बोली है कि सखी राम को देख कर, बोली है कि सखी राम को देख कर, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुधर, रच गई है विधाता जोड़ी सुधर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वाले दुबल, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वाले दुबल, मन में शंका बनी भी बनी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाद में वो खड़ी की खड़ी रह गई। भजन का आखिरी बंद है ये लक्ष्मण जी का संवाद जो हो रहा है एक सखी से, तो देखिए कितना सुंदर संवाद है। बोली दूजी सखी छोट दे फल में है, 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 चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, एक ही बार में तान तारा शशि, एक ही बार में तान तारा शशि, उठ सकी ना बड़ी की बड़ी रह, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर भाई जोरदार तालियां प्रभु जी के लिए। बुसियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। देखिए जो सबसे सुंदर भजन की जो बात कही है ये वही भजन है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, और ये भजन जो ऐसा भजन है कि हम मस्ती के साथ गाते हैं और जो है उसमें डूब जाते हैं, तो ये भजन जो हमारा बहुत ही वायरल भजन है और इसको हम बड़ी खूबसूरती के साथ गाने की यहाँ कोशिश करेंगे। एक बार जय घोष लगाइए, जय श्री राम। देखिए कितनी जोरदार आवाज आई है, एक बार जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। मेरा ठिकाना हो
समाज में संसार में ये उसी की व्याख्या है कि कैसे भाई हो कैसे पति हो। देखिए कितनी सुंदर बात कही है आप सभी के लिए। लक्ष्मण सा भाई हो कौशल याद आ गई। आप फिर वहां बोल दीजिएगा कि गूंजता रहे सदियों तक ऐसा अंजाम लिख देंगे। नहीं नहीं इतना हल्का नहीं।
गूंजता रहे सदियों तक ऐसा अंजाम लिख देंगे, खून के एक एक कतरे से जय श्री राम लिख देंगे। और गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, भाई वाह नहीं आई, गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, और हिल जाए जहान सारा जब गूंजे जय श्री राम का नारा। जय जय श्री राम। चलिए हमारे जय लेकिन जय हो, यही होती है भक्तों की मस्ती। तो हमारे जो है एक राघोगढ़ वाला जो हम बाद में गाएंगे, लेकिन एक गाना हमारे शुभ गाते हैं बहुत अच्छा, और ये गाना जो है पूरे देश में चल रहा है, तो आप सभी के लिए। देखो सब जय घोष लगे, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मेरे सब साथ में गाएंगे, अरे हर घर में अब एक ही नारा। सबने सुना है नहीं आला, तो आप लोग सभी मेरे साथ में गाएंगे, साथ देंगे बराबर से आवाज बुलंद करके, के हर घर में अब एक ही नारा, हर घर में अब एक ही नारा, एक ही नारा गूंजेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नारा, घर में अब एक ही नारा, एक ही नारा गूंजेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भाई हमारे यूथ बैठे तालियों के साथ। जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही भगवा सारे भारत में लहराएंगे, भारत में लहराएंगे, भारत में लहराएंगे। राम नाम का पी के प्याला, राम नाम का पी के प्याला, राम नाम का पी के प्याला, राम की धुन में डोला। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। देखिए बच्चा जो है मस्ती में ताली बजा रहा है, बेटा खड़े हो जाओ आप, जोरदार तालियां बच्चे के लिए। ये हमने हो वानर सेना जिसने से तुमको बना दिया, जिसने से तुमको बना दिया, जिसने से तुमको बना दिया। लिख कर राम नाम पत्थर पर पानी में था तरा दिया, पानी में था तरा दिया, अरे पानी में था
बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोल का भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा जय जय श्री राम बोलेगा जय जय श्री राम बोलेगा जय जय श्री राम बोलेगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और जाने का तो हमारा ही मन नहीं कर रहा है लेकिन क्योंकि यहाँ की जो है भाई बलग है और देखिए सभी लोग कितने मनोयोग से सुन रहे हैं तो ये भजन जो अभी जो आए थे एक बार खड़े हो जाएं जिन्होंने लिखा है वसी क्या नाम था जी जी एक बार जोरदार तालियां जी महाराज की जय। सर का नाम वशिष्ठ जी। अच्छा वशिष्ठ जी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ जी के लिए एक बार जोरदार तालियां क्योंकि देखिए और मैंने माननीय हमारे परम श्रद्धेय जयवर्धन जी को बोल दिया है मैंने कि ये गाना हम YouTube पे डालेंगे और देखिए और सामने हमारे कवि जी हैं बहुत अच्छा लिखा है इनको हम लिखने के लिए और देंगे और हम एक जैसे हमारा नगरी अयोध्या ट्रेंड है फिर नगरी उज्जैन डाला अब नगरी हो हमने जो हम डालने जा रहे हैं राघव नगरी के लिए जो गाना जो लिखा तो एक हमें जो है एक आइडिया दे दिया है कि हम पूरे भारत में जितने दार्शनिक जगह हैं जो भी प्रदेश है जो भी है हम उनके बारे में लिखें तो एक आइडिया यहाँ से मिला है आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां और मैं कहूँगा कवि जी से हमारे साथ आके बैठ जाएं इस भजन के अंदर तो हमारा परम सौभाग्य होगा। इधर आ जाइए इधर मैं एक लाइन लिख के लाया हूँ हिंदू पद राजाओं के लिए मैंने एक लाइन लिखी है ये फौलादी सीना हिंदू पतों का हिमालय की अकड़ रखते हैं। भाई वाणी आई नहीं ऐसी वाणी में दोबारा पढ़ूंगा फिर वहां बोलना जोरदार ये फौलादी सीना हिंदू पतों का हिमालय की अकड़ रखते हैं पसंद नहीं हमें जंग में हारना पसंद नहीं हमें जंग में हारना हम जीत पर पकड़ रखते हैं। तो इस मंच से जो हमने ऐलान कर ही दिया तो एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी राज परिवार के लोगों के लिए और ये भजन हम शुरू करते हैं। तालियों के साथ जुड़ जाते हैं आप ही के नगर का गाना हम गा रहे हैं अब जहाँ राघव चरणों में सब
और देखिए कवि महाराज जी साथ में बैठे हैं, बहुत सुंदर रचना, देख कितनी सुंदर पंक्तियां कही हैं। राघव जी का जो चेहरा है हर धर्म के लिए, तो क्या कहते हैं? राघव जी का धर्म का चेहरा है इन चारों द्वारों पे, हनुमान जी का पहरा है पे, हनुमान जी का पहरा है। राघोगढ़ नगरी में बाजी घराना है, जहाँ राघो जी चरणों में सबका ही ठिकाना है, जहाँ राघो जी चरणों में सबका ही ठिकाना है। अटका भी चढ़ता है रंग बावड़ी जा कर तो बैराग उमड़ता है, रंग बावड़ी जा कर तो बैराग उमड़ता है। राघोगढ़ नगरी में बाजी घराना है, जहाँ राघो जी चरणों में सबका ही ठिकाना है, जहाँ राघो जी चरणों में सबका ही ठिकाना है। इतनी सुंदर पंक्तियां हैं कि माता जी का भी मंदिर यहाँ पर है, कुल देवी जी का मंदिर है, तो कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। है अष्टभुजी मंदिर जहां देवी विराजे हैं, दुखी लोग के दुख सारे मां काली मिटाती है, दुखी के दुख सारे माँ काली मिटाती है। राघोगढ़ नगरी में पाई घराना है, जहाँ राघो जी चरणों में सबका ठिकाना है।
बजरंग कर बीस भुजी को बार की कुल देनी कर दी है कृपा सब पर ये है आँखों की कर दी है कृपा सब पर चरणों में सबका ही ठिकाना है राघो जी चरणों में सबका ही ठिकाना और देखिए यहाँ चमत्कार भी हुए राय साहब बता रहे थे मुझे महाराज धीरज सिंह जी के बारे में तो ये भी कितना बड़ा वाक्य है चमत्कारिक और वो बता रहे थे कि अगर विष दंश कोई सर्प काट ले किसी को तो वहाँ सही हो जाता है ठीक हो जाता है तो ऐसे चमत्कारिक जगहों पर हम बैठे हैं और ये आप लोगों का बड़ा भाग्य है और हम इसके लिए गा रहे हैं और भाई साहब ने लिखा है उसको इतनी सुंदर धीरज सिंह बाबा की उतरी भी टूटती है जहरीले सांपों से तब जान भी छूटी है जहरीले सांपों से धरती है ये इतने महान विद्वानों की महर्षियों की रामानंद स्वामी जी कबीर जी की तो देखिए दो पंक्तियों के साथ रामानंद स्वामी से पहचान पुरानी है रे दास होया कबीरा सब एक कहानी है पास होया कबीरा सब एक कहानी है राघो गण नगरी में पीपा घराना है जहाँ राघो जी चरणों में सबका ही ठिकाना है जहाँ राघो जी चरणों में सबका ही ठिकाना है और देखिए आखिरी बंद है 400 सालों का इतिहास है और इस 400 सालों में आज भी सब चीजें मैं देख के आया ऐसे उनकी भाई वैसी है उनकी प्रार्थना से हम भी धन्यवाद हो गए हिंदू पति राजा का भगवान लहराए चल कमरों गढ़ से राघो गढ़ तक आए चल कमरों गढ़ से राघो गढ़ तक आए राघो गढ़ नगरी में पाई जाना है जहाँ राघो चरणों में तालियों के साथ जहाँ राघो चरणों में सभी ठिकाना है सभी ठिकाना है
सबका ही ठिकाना है, सबका ही ठिकाना है। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे सभी और एक बार जयकारा लगाएंगे। जयकारा राघव बोल महाराज की जय, श्री राम। बोलो बालाजी महाराज की, भारत माता की। भाई जोरदार एक बार, भारत माता की। बोलो राघव जी महाराज की जय। और सभी से मैं प्रार्थना करूंगा कि YouTube पे साधो बैंड को देखते रहे और साधो द बैंड Instagram पे उसको टैग करें, साधो द बैंड, और धनंजय साधो को भी टैग करें। तो आप सभी लोग जो है हमको देखिए YouTube पर। जय श्री राम। Yeah.